आज एयरफोर्स का 91वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रयागराज के आसमान में हिंद के वायुवीरों के शौर्य का प्रदर्शन जारी है। मध्य कमान बमरौली में वायुसेना के योद्धाओं की परेड चल रही है और पैरा हैंड ग्लाइडर विंग कमांडर अशोक ने हवा में 307 डिग्री पर हवा करतब दिखाते हुए परेड में एंट्री की और कुछ देर तक हवा में ही उड़ते रहे। इसके बाद में दो और वायु योद्धा पैरा मोटर्स हवा में उड़ते हुए परेड में आए और उनके आते ही पंडाल दर्शकों की तालियों से गूंज उठा। इसके साथ ही कलरफुल पैरा जंपर को देखकर लोग काफी ज्यादा रोमांचित हो उठे और लोगों ने उनका तालियों से स्वागत किया। परेड में पहली बार महिला अग्निवीरों की एक टोली को भी शामिल किया गया है। दोपहर 2:30 बजे संगम पर विमानों का प्रदर्शन शुरू होगा। संगम नगरी के लोग वायुसेना के शानदार उड़ान के साक्षी बनेंगे, जिसे संगम के चारों ओर के क्षेत्रों से देखा जा सकता है। In the next few minutes, you'll witness a unique spectacle. The team in front of you will simulate the actions of... आगे बढ़ते खबर ललितपुर से, जहां पर कल दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्यारोपी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने वारदात के महज कुछ ही घंटे बाद ही हत्यारोपी की गिरफ्तारी कर घटना का खुलासा किया। आरोपी युवक मृतक का साला है, जिसने गोली मारकर अपने ही जीजा को मौत की नींद सुला दिया था। क्या नाम है आपका? आकाश सिंह। कहाँ के निवासी? चौबेना काल। क्या घटना हुई आपकी? पता नहीं, हमें नहीं पता था। हम तो ऑफिस में थे, फोन आया, छोटे भैया गोली मार दी। कितने मारी गोली? अब ये नहीं पता, मेरे को दुश्मनी थी। कितनी गोली लगी भाई में? अपने जीजा को जो है वो गोली मारी गई थी। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम शिवम परिहार है, उनकी मृत्यु हो गई थी और जो दूसरे व्यक्ति हैं मानवेंद्र, वो उसमें घायल हुए थे। उनकी स्थिति बिल्कुल ही नॉर्मल है, उनका इलाज जो है वो चल रहा है। जो इसमें जो मेन मुलजिम जो था शिवाजी, जो कि जो मृतक है उनका अपना साला है, उसको तत्काल जो है जो हमारी चीता है और जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं, इनके द्वारा तत्काल इसको 15 मिनट के अंदर में इसको अरेस्ट जो है वो किया गया था। और अब खबर रामपुर से है, जहां पर प्रसिद्ध रजा लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होने पर महोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसमें कवि कुमार विश्वास और राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने फीता काट कर दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। रजा लाइब्रेरी में लगी प्रदर्शनी को भी कुमार विश्वास और मंत्री ने देखा और रामपुर की जनता का आभार व्यक्त किया। आपने सभ्यता का, अदब का, साहित्य का और मनीषियों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ केवल भाषाई विविधता नहीं है, यहाँ सांप्रदायिक विविधता, सोच की विविधता और उसके साथ उसका एकात्म, तो मेरे लिए तो बड़ा जिसे कहते हैं अद्भुत अनुभव था इस पुस्तकालय को घूमना, क्योंकि यहाँ मेरे पूर्वजों की मुझे पुस्तकों को हाथ छूने का, उन्हें प्रणाम करने का अवसर मिला, मधुमालती देखने का अवसर मिला, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने मुल्ला दाऊद और उस्मान और मंझन कुतुबन, इन सब लोगों ने जो एक समय हमारे रीतिकाल का निर्माण किया है, भक्तिकाल का निर्माण किया है। गाजीपुर में पुलिस से मुठभेड़ में 25,000 का नामी बदमाश घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस के जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। खानपुर थाना क्षेत्र के उचौरी इलाके में मुठभेड़ हुई।
पकड़ा गया बदमाश मोबाइल व्यापारी की हत्या के केस में वांटेड था। उसके पास एक तमंचा और कई कारतूस बरामद हुए हैं। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पे एक संदिग्ध व्यक्ति बैठा हुआ, उसको रोका, उन्होंने रुका नहीं और तेजी से जो है गाली देते हुए आगे बढ़ा उचौरी की तरफ। इसको सूचना पे चौकिंग चार ने सबको अवगत कराया। आगे हमारे सादात बॉर्डर पे स्वयं एसओ खानपुर और एसओजी की टीम चेकिंग कर रही थी, वो आगे बढ़ी। बीच में जब बदमाश ने पुलिस टीम को देखा तो उसने फायर किया। फायर करने के बाद पुलिस ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिसके फलस्वरूप उसके पैर में गोली लगी है।